हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने मच्छी बिरयानी बनाई है। अगर आपको ये बिरयानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख सकते हैं हमने सारे सामग्री यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब हम बनाने की सारी रेसिपी। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मछली बिरयानी बनाने वाले हैं। मछली बिरयानी के हमने सबसे पहले मछली यहाँ पर ले लिए हैं और हमने यहाँ पर 300 ग्राम चावल भी ले लिए हैं। अब हम कुछ मसाले दिखाएंगे। देखिए, हमने नमक बड़े साइज़ के चम्मच में 2 चम्मच नमक लिए हैं और हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, पीसे मसाले, गरम मसाले 1/2 चम्मच चाय के चम्मच में, और चाय के चम्मच में 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, और चाय के चम्मच में 2 चम्मच हमने मिर्ची पाउडर लिया है, चाय के चम्मच में 2 चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है। हमने 2 से 4 हरी मिर्ची को इस तरह 2 फाल कर लिए हैं और हमने कुछ गोटे जीरे लिए हैं और हम 5 फुटन भी लिए हैं। ये अब हम दिखा रहे हैं। अब दूसरा मसाला देखिए, हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट छोटे कटोरी में 1/2 कटोरी लिए हैं और यहाँ पर हमने खास करके मछली के मसाले तैयार किए हैं, जिसमें सरसों, लहसुन और प्याज वगैरह हमने डाल के पीस कर लिए हैं अच्छी तरह ग्राइंडर में। अब हम बनाने की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बनाने से पहले हमें मछली को फ्राई करके निकालना है। मछली को फ्राई करके निकालने के लिए हम यहाँ पे एक बॉल लेंगे, उसमें मछली डाल के मसाले से मछली में हम हल्का हल्का मसाला दे के उसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। हम इसी से ही थोड़ा थोड़ा सामान इसमें डालेंगे। थोड़ा सा 2 चुटकी भर नमक डालेंगे और इसी से ही थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे 1 चुटकी भर, और गुंड मिर्ची डाल लेंगे, लाल मिर्च इस तरह, और जीरा पाउडर भी इस तरह डाल लेंगे, हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे, और इसी से ही मसाले ले लेंगे 1/2 चम्मच तिल के चम्मच में, और कुछ ले लेते हैं। देखिए 1 चम्मच लिया है हमने, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको कुछ समय रख देते हैं इसी मसाले लगा के। फ्रेंड्स, देखिए हमने मसाले डाल लिए हैं, कुछ समय भी हो गया है। अब हम इसमें छोटे से ठिप्पी के इस तरह 1 चम्मच अंदाज विनेगर डाले हैं, इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। फिर कुछ समय के लिए इसे रख लेंगे। हम विनेगर डाल के इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अगर आपके पास विनेगर ना हो, आप नींबू का रस भी इसमें निचोड़ सकते हैं। ये डालने से मसाले अंदर तक का जाएंगे और खाने में भी बहुत टेस्ट आएगा। देखिए, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, गैस ऑन करेंगे। चलिए, अब इसको फ्राई करने के लिए हमने गैस ऑन करके एक तावा रख लिया, उसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो रहा है, इसको इस तरह फैला लेंगे। इसमें एक एक करके मछली की पीस डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके मछली की पेस्ट डालेंगे। इसे फिर आप धीरे से इसको पलटा लेंगे, धीरे धीरे से। एक एक करके उतार लिए हैं इसे, इसको अच्छी तरह पकाएंगे। मछली तो अच्छी तरह फ्राई हो रहा है, अब हम दूसरी तरफ भी देखती रख लेंगे। ऐसे इसमें तेल डालेंगे, हमने इसमें तेल डाल लिए हैं। अब तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें 5 फुटन डालेंगे। इसी के साथ ही साथ हम इसमें कड़ी पत्ते भी डाल लेंगे। अब इसमें कटे हुए हरी मिर्च डाल लेंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे, आपको दिखाया था अदरक लहसुन के पेस्ट डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह पकाएंगे। इधर भी देखिए, रस तो मछली रमस्त लाल हो गया है। एक बचा है, इसको अच्छी तरह लाल होने देंगे। अब इसमें सरसों का मसाला डाल लेंगे। फिर अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। इसकी स्मेल खत्म होने तक इसको हम पकाएंगे। कि हमने जो मछली को मसाले में डाले थे, कुछ मसाले इसमें लग गए थे, उसे पानी के जरिए इसे निकाल लेंगे, डाल देंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे सबको। अब इसमें बाकी मसाले भी डाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें सारे मसाले डाल देंगे इसे। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे धीरे धीरे से। आप देख सकते हैं मसाला एकदम पक चुका है। अच्छी तरह चावल डाल के अच्छी तरह पकाएंगे। चावल को मैं इस तरह धो ली हूँ, उसको
इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। देख सकते हैं हमने चावल को अच्छी तरह पका लिए हैं। अब हम इसमें एक बॉल चावल दिए थे, अब हम इसका डबल पानी देंगे। हमने इस बॉल में डबल पानी करके रेडी रखे हैं। देखिए इसको अच्छी तरह पकाएंगे और इसी में ही पानी डाल देंगे। देखिए आपको अगर हमारी मछली बिरयानी अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। और आप भी इसी तरह आसानी से मछली बिरयानी अपने घर में बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, ये पक चुका है, अब इसमें पानी डाल लेंगे। देखिए हमने बहुत ही कम सामान में बिरयानी बना लिए हैं, आप भी इसी तरह आसानी से कम सामान में बना सकते हैं। अब हम इसको ढक के अच्छी तरह फुटाएंगे। चलिए दोस्तों देखिए कहाँ तक गया, आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी की चावल फूट के आ रही है। इसको अच्छी तरह फूटने देंगे। ठीक है, प्रिंट कहाँ तक गया आप देख सकते हैं, ये फूट रहा है। इसको अच्छी तरह पकाएंगे, अच्छी तरह फूटने की इंतज़ार करेंगे बिरयानी रेडी होने तक का। प्रिंट देखते हैं, अब इसको एक बार चला लेंगे ऐसे। अभी भी ये पक रहा है, चलिए इसको पकने देते हैं। देख सकते हैं ये रेडी है। अपनी दम देने की तैयारी करेंगे। दम देने के लिए हम यहाँ पे मछली को इस तरह सजा के रख लेंगे इसके ऊपर में ऐसे। देखिए ऐसे मछली बिरयानी के लिए मछली ऐसे करके हम इसमें रख लेंगे। अब हम बचे हुए गरम मसाले इसके ऊपर में डाल लेंगे ऐसे अच्छी तरह। हम चुटकी भर नमक भी इस तरह छींच लेंगे इसके ऊपर में ऐसे। हमने नमक और मसाले डाल लिए हैं। अब हम इसमें इसके ढक्कन पे इस तरह कटन का दुपट्टा को अच्छी तरह पहना के इस तरह दम में रख लेंगे। इसके ऊपर कुछ भारी सामान रख लेंगे हम इसमें। ये दोस्तों देखते हैं कहाँ तक गया, आप देख सकते हैं हमारी मछली की बिरयानी रेडी है। आप उसे निकाल के प्लेट में निकालें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मछली बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ऊपर कटे हुए हरी धनिया पत्ते डाल लेंगे ऐसे। अब ये बिल्कुल रेडी है। देखिए अगर आपको इस तरह मछली बिरयानी अपने घर में बनाना है तो इसी हमारे स्टाइल से आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।